हेलो अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले क्या हाल चाल है? हाँ, जानता हूँ कि वीडियो आज थोड़ा अलग स्टाइल से शुरू हुआ, लेकिन डायलॉग सेम थे। तो आज के इस ब्लॉग में हम मौजूद हैं टिकटॉक चौरंगी में। इसका असल नाम फिशरमैन चौरंगी है, लेकिन जब इस जगह को बनाया गया तो यहाँ पे टिकटॉक वीडियोस इतने ज्यादा बनना शुरू हो गए कि एकदम इसका नाम टिकटॉक चौरंगी पड़ गया। अब जैसे कि आपने थंबनेल और टाइटल देख के अंदाजा लगा लिया होगा कि इस वीडियो में क्या होने वाला है, यानी कि बिफोर एंड आफ्टर टिकटॉक चौरंगी पार्ट टू, बिफोर टू आफ्टर। तो चलो शुरू करते हैं। राय जी के स्टोरी अब बसंत आ रही है। इस जगह को बनाया जा रहा था, यानी कि उस वक्त जब ये जगह कंप्लीट तैयार भी नहीं हुआ था, तब से इस जगह में टिकटॉक वीडियोस बनाया करते थे, यानी कि टिकटॉकर। ये उस वक्त टिकटॉक की वजह से बहुत ज्यादा मशहूर था, लेकिन अभी के टाइम में ये एक एंजॉयमेंट एरिया बन गया। अब यहाँ एंजॉयमेंट के लिए बहुत सारी चीज़ें मौजूद है। अब जैसे कि आप घोड़े की सवारी कर सकते हो, और उसके बाद गाड़ी की सवारी कर सकते हो, जो छोटे बच्चे हैं वो गाड़ी की भी सवारी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ कुछ झूला वगैरह भी है जो अक्सर पार्कों में होते हैं, और अगर आपके पास पैसे नहीं है झूले के लिए तो यहाँ कुछ और ही चीज़ें झूलते हैं बच्चे। ओए बच्चो, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? वहाँ झूला क्यों नहीं झूल रहे? इसमें क्यों झूला झूल रहे हो? मजा आ रहा है। अच्छा, उसमें पैसे लेते हैं और ये फ्री में? ओ ओ ओ, ओ मार दी उसकी, मार दी। असल में ये चीज डेकोरेशन के लिए था। अभी यहाँ की हालत बहुत ज्यादा खराब है, और ये तब शुरुआत हुई जब यहाँ आगे एक लड़ाई हुई। असल में हुआ ये था, पठान और बंगाली के बीच में एक लड़ाई हुई, और वो भी जमीन के मामले में। अब जब ये सब मसला हुआ तो पुलिस आ गए बीच में। अब पुलिसों ने, मैंने सुना ये था कि पुलिसों ने कुछ बंगाली के दो या तीन आदमियों को फायरिंग कर दी, स्टेट फायरिंग, जिसकी वजह से उनके जो बंदे थे वो मरे। फिर बंगालियों ने क्या करा, बहुत सारे पठानों के तल्ला, गाड़ी वगैरह, इन सब चीजों को आग लगा दिया, और उसके बाद ये रोड तक के आ गए, और हत्ता कि यहाँ की हालत ऐसी खराब हो गई कि जो जितने भी गोल्ड डेकोरेशन की चीजें हैं, इन सबको रोड में ले आया गया, चीजों को तोड़ा गया, आग लगाई गई, काफी यानी कि हालत खराब कर दी गई। उसके बाद से इस जगह की हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई। हालत खराब से मुराद यहाँ की थोड़ी सी खूबसूरती में खराबी आई, यानी कि कमी हो गई। इस जगह की एक वक्त ऐसी भी गुजरी जब ये जगह बहुत ज्यादा मशहूर हुआ था, और यहाँ बहुत ज्यादा लोग आया करते थे वीडियोस वगैरह के लिए। तो एक दिन चार 125 चार तकरीबन 5-6 बाइक थी 125 में जो आए, और इस जगह को चारों तरफ से घेर लिया। चारों तरफ से घेरने के बाद इस जगह में जितने भी लोग मौजूद थे, उन सबसे जितना ज्यादा हो सका उन लोगों ने मोबाइल छीना और चले गए, यानी कि मोबाइल स्निचिंग का वारदात भी हुआ यहाँ। अब कराची है, कराची में ये सब कुछ चलता है, ये तो आम बात है। अब मैं आपको इससे भी अजीब बात बताता हूँ। इस जगह में एक लड़के ने तस्वीर खींची, फिर एडिट करके तस्वीर के नीचे एक भूत का तस्वीर लगा दिया, यानी कि भूत का शक्ल, और फिर उसको अपलोड किया फेसबुक में हो या फिर कहीं पर भी हो, उसको अपलोड किया इस नाम से कि तस्वीर जब खींचा टिकटॉक तोड़ने में तो भूत भी खेत हो गया उसने, यानी कि भूत दिखा। अब आपको तो पता है हमारे व्हाट्सएप में कुछ ज्ञानी बाबा होते हैं जो इस तरह के फेक न्यूज को बहुत ज्यादा वायरल करते हैं। बिल्कुल सेम यही हुआ, वो वीडियो, वो पिक्चर और वॉइस इतना ज्यादा वायरल हो गया फेसबुक में, व्हाट्सएप में, कि लोगों ने इस चीज को सच मान लिया कि हाँ टिकटॉक चौरंगी में ऐसा हुआ है, जबकि ये फेक था। अब ऐसे तो हम भी कर सकते हैं। मैं आपको वो दिखाऊंगा, अगर मेरे पास मौजूद हो तो कोशिश करूंगा दिखाने की, वरना तो मेरी बात में यकीन कर लेना यार। अब आते हैं इस बंदे की तरफ। इस बंदे को देखो गौर से, बेचारा पहले ये बिल्कुल खड़ा हुआ था, खड़ा होकर मछली पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बेचारे को पता चला कि भाई यहाँ तो महंगाई इतनी ज्यादा हो रही है कि बंदा मछली नहीं पकड़ सकता, खड़े हो गए, तो वो झुक गया। तोबा तोबा तोबा। अब आप इस बंदे को देख लो, ये बंदा पहले खड़े होके मछली पकड़ रहा था, लेकिन इसको पता लग गया कि कराची में खड़े होके कोई काम नहीं चलता, यहाँ झुकना पड़ता है। ओ सॉरी, क्या बोल रहा हूँ।
जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। झुकना नहीं, मतलब देखो इसकी भी शामत आ गई बेचारा, ये भी अपने पैरों से नीचे गिर गया। तुमने कैसे पहचाना मेरे को कि मैं व्लॉग बना रहा हूँ? आप लोगों ने कैसे पहचाना? अगर मैं टिकटॉकर होता तो कैसी वीडियो बनाता? पागल वाली। कौन सी वाली? पागल वाली। इधर आ ना मेरा बच्चा, तू इधर आ। टिकटॉक पागल वाली वीडियो बनाते? हाँ। मैंने तो सुना है बड़ी मेहनत करते वो लोग भी। हाँ। क्या हुआ? जिससे व्लॉग आता वो वाला नाम क्या है? अगर आप व्लॉग का टाइटल सर्च करोगे तो व्लॉग आएगी। क्या तो नाम, क्या नाम, चैनल का नाम क्या है? चैनल का नाम पता करो ना, व्लॉग का क्या पता करो? एक चैनल में इतनी सारी वीडियोस हैं। चैनल का नाम राइजी फन, RAIZI राइजी फन 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 राइजी फन। हाँ, स्पेलिंग में गड़बड़ करोगे तुम लोग। अच्छा, दो बच्चे मिले, इन्होंने देखने के साथ अंदाजा लगा लिया कि मैं व्लॉग बना रहा हूँ। देखो व्लॉग एक यूट्यूबर जो होता है ना वो बिल्कुल सिंपल नॉर्मल होता है। अगर मैं एक टिकटॉकर होता मेरे बाल या मेरी ड्रेसिंग में बहुत ज्यादा चेंजिंग होती। चलो फिर, अपन यूट्यूबर है कुछ ना सीख। तो बस आज के लिए व्लॉग बस इतना सही है, व्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर मेरी ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हो तो फॉलो करो, अगर यूट्यूब में देख रहे हो तो लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करो। यार सब्सक्राइब जरूर करो, ये जो लाल कलर का बटन है इसको दबा दो, फिर बेल आइकन दबाओ, सब्सक्राइब करो। हेलो दोस्तों, लाइक तो दबाइए, मुझे भी तो थोड़े बहुत व्यूज है चाहिए। अरे कर दो ना, मत शर्माइए। हाँ हो गया क्या? चलो अब जाइए।